अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कचूमर सैलड बनाने की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे प्याज। प्याज को बारीक काट लेना है और मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे करती होती हूँ। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो उससे बेहतरीन हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। ऐसे आपने प्याज कर लेना है। इसके साथ ही अब खीरे काट के उनको भी कटिंग कर लेनी है, उनकी बारीक साइज़ में ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड पर रख के। फिर इनको काट के बॉल में ले डाल लेना है आपने, ऐसे एक बड़े साइज़ के बाउल में, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैं बड़ा बाउल ले रही हूँ। प्याज को हमने काटा था उसको मैंने पानी में डाल दिया ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी देर के लिए साइड ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैंगो ले लेने हैं। मैंगो आपको जितने चाहिए उतने ले लें। इससे मैंगो का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। मैंगो की मिठास और बाकी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है इसका। तो मैंगो हमने किसी तरह पील करके उनको पीसेस में करके तो उसको मिक्स कर देना है खीरे वाले बाउल में। अब हम इसमें जो प्याज भी होते पानी में वो उसमें स्टेन करके वो उस बाउल में डाल देना है। दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसमें हम दूसरी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें काली मिर्च और नमक डालेंगे और एक चम्मच बड़ा चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च और एक बड़ा टेबलस्पून हमने डाला सोया सॉस का, एक टेबलस्पून विनेगर, एक टेबलस्पून चिली सॉस। इन सब चीज़ों को इसमें डाल देना है और उसके साथ साथ अगर आप लेमन जूस आपके पास है तो वो ज़रूर डालिएगा, उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर लीजिए। हमारे पास बेहतरीन किस्म का कचूमर सैलेड रेडी है।